एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देने के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान सरकार ने केवल राज्य में काम करने वाले एनएचएम संविदा कर्मचारियों को 30% तक बोनस अंक देने का नियम निकाला था। इस फैसले को दूसरे राज्यों में एनएचएम में काम करने वाले कर्मचारियों ने चुनौती देते हुए उन्हें भी बोनस अंक देने की मांग की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार के फैसले को सही मानते हुए दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को बोनस अंक देने की याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट मनीष सिंधवी ने बताया कि यह गहलोत सरकार ने अपने पुराने कार्यकाल में साल 2013 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें राज्य सरकार में एनएचएम के तहत संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नर्सिंग, जीएनएम, फार्मासिस्ट, आयुर्वेद डॉक्टर समेत अन्य पदों पर भर्तियों में 30% तक बोनस अंक देने का प्रावधान किया था। एक साल का अनुभव रखने वाले को 10%, 2 साल के अनुभव वाले को 20% और 3 साल के अनुभव वाले को 30% का बोनस अंक देने का प्रावधान इस नोटिफिकेशन में किया था। इस लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आज जस्टिस बीआर गवई और नागेश्वर राव की बेंच ने फैसला सुनाया। इसमें सरकार के आदेशों को सही मानते हुए बोनस अंक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो सरकार ने एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए नियम निकाला था। गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भर्ती में दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को बोनस अंक नहीं मिलेगा। सरकार ने एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए ये नियम निकाला था। तो गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भर्ती में दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस अंक। सरकार ने एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए ये नियम निकाला था। तो गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भर्ती में दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। भर्ती में दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को बोनस अंक नहीं मिलेगा। क्या कुछ है अभी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से बात करें तो एनएचएम में संविदा पर काम करने वाले जो कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से संविदा भर्ती के अंदर बोनस अंक देने की मांग जा रही थी, उस मांग को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही कहा गया था कि जिस तरह से एनएचएम जिसमें केंद्रीय स्कीम के तहत जो काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको बोनस अंक नहीं देने की ये योजना सरकार की ओर से थी, जिसमें कर्मचारियों की 30% तक बोनस की मांग कर रहे थे, जिसमें 1 साल के अनुभव पर 10%, 2 साल के अनुभव पर 20% और 3 साल के अनुभव पर 30% बोनस अंक देने की मांग की जा रही थी। हालांकि इस भर्ती इस मांग को लेकर अन्य राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी और उस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए राज्य सरकार की ओर से जो पैरवी की गई थी उसी को सही माना गया है। साथ साथ जो राज्य सरकार की ओर से इस पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट मनीष सिंह भी ने ये जानकारी बताई है कि जिस तरह से पुराने कार्यकाल यानी कि 2013 के दौरान एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें राज्य सरकार की ओर से एनएचएम के तहत संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को किसी भी तरह का बोनस अंक देने की नहीं देने की बात कही गई थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए यही कहा गया है कि अन्य राज्यों की ओर से भी इस तरह से एनएचएम में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से अन्य राज्यों में भी बोनस अंक देने की मांग की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी इसमें राहत दी गई है। इनकी जो एनएचएम में केंद्रीय स्कीम स्वास्थ्य मिशन के तहत जो काम करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनको इस योजना में नहीं शामिल किया गया और आगे भी इस तरह से एनएचएम के जो के तहत जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे संविदा कर्मचारी थे उनकी ओर से किसी तरह की इस तरह की मांग नहीं रहती है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसेंटेंसी आदेश जारी किए गए हैं। जी जी, शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।